किसकी लहर चल रही है? कौन योगी सरकार? यूपी से है तो यहाँ तक गुजरात तक तो हम उनकी ही लहर चल रही है। सीएम कौन है? विजय रूपाणी देश के बने। आपकी बात तो मोदी आना नहीं चाहिए ना, आम जनता पार्टी ही लग रहा है। नमस्कार, गुजरात चुनाव कवरेज के दौरान हमार पहुंचे हैं सूरत के तेरे नाम चौकड़ी इलाका, और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बात करेंगे। हम आपका नाम? राज चौहान। राज जी, आप कहाँ से आते हैं? मैं यहीं पे अभी रहता हूँ मैं, लेकिन यूपी से बिलोंग करता हूँ। किसकी हवा चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे आम आदमी और भाजपा। कौन जीतेगा? अब ये दोनों का है, अब जैसा जो हो। कांग्रेस का है? कांग्रेस का तो यहाँ कुछ नहीं है। अरे तो बहन जा रही है। यहाँ तो कांग्रेस का कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो जनता बताएगी ना। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस का कुछ नहीं है? वो अपना लहर के हिसाब से होता है, जो आदमी जैसा काम कराता है उसी हिसाब से चलता है ना चुनाव। यहाँ पर तो यूपी वाले कांग्रेस के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे उतना सीट पर, जानते कि नहीं उन्हें आप? नहीं, मैं नहीं जानता। ये आपकी कौन सी सीट आती है? मेरा कैसा ये सीट ये मुझे मालूम नहीं, मैं तो यहाँ। अच्छा, आइए हम और बात करते हैं उन लोगों से। आपका नाम? मेरा नाम VNR पांडे। अच्छा पांडे जी, कहाँ से हैं आप? हम बनारस से। ज्यादातर यहाँ पे यूपी वाले लोग ही मिल रहे हैं हम लोगों को। अच्छा, तो आप वोटर हैं यहाँ के? हाँ। अच्छा, किसकी हवा चल रही है, कौन? अब देखिए, हवा तो बहुत तीनों का, अब देखो किसको आता है, लेकिन जहाँ तक है वही भगवा रंग। भगवा रंग ऐसा क्यों लगता है? भगवा रंग देखते हैं हर जगह, भगवा रंग काम उसका बोलता है, इसके लिए बोल रहे हैं हम। हर जगह बनारस भी देखते हैं, जहाँ के रहने वाले वहाँ से भी देखते हैं भगवा रंग जो है, हमको तो वही है, बाकी भगवान जाने क्या होता है। बनारस का काम देख करके आप गुजरात में वोट करेंगे? यहाँ भी है ना इसके लिए। अच्छा, आइए हम अगले से बात करते हैं वोटर से। आपका नाम? शिवम दुबे। तो आपका क्या है कहना, किसकी हवा चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे तो भगवा रंग चल रही है, उसके सिवा क्यों? अच्छा, ऐसा लग रहा है, माहौल ऐसा है। कहाँ से हैं आप? बनारस। चलिए आइए हम, हाँ अरे वाह, चलिए आपसे बात करते हैं। किस आप कहाँ, आपका नाम क्या है? जगदीश चंद्र जाट। कहाँ से आते हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से, तो चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में तो अच्छा ही चल रहा है, मोदी जी का ही चल रहा है अभी तो देखो। ऐसा क्यों, मोदी जी का ही क्यों चल रहा है? देखो, मोदी जी सबका साथ सबका विकास, और ये कहते हैं वो करते हैं, देश को मजबूत बना रहे, युवाओं को हर तरह से देखो तो अच्छा ही कर रहे, और नई नई टेक्निक लेके आ रहे युवाओं के लिए, जो किसी का सहयोग चाहिए तो मिल रहा है मोदी जी की तरफ से, अच्छा ही हो रहा। देखो, अच्छा धंधा कर रहे ना, 2005-07 में करते थे तो वो बोलते वो दादा आया है, वो आया, आज कोई नहीं आता है, आएगा तो 100 नंबर पे कॉल करो, सीधा गाड़ी आता है, कोई तकलीफ नहीं। आइए हम आगे, आइए मैडम आपसे बात है। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे तो क्या हो गया, क्या हो गया, आपका क्या नाम है? रितु भाटी। रितु, रितु। अच्छा, कहाँ से हैं आप? यही पे सूरत में रहती। अच्छा, तो किसका चुनाव में वोट करने जाती हैं? नहीं, यही नहीं है अभी तक। वोट ही देने नहीं जाती हैं? जाती, पर वो बाहर गाँव है हमारा, इधर नहीं है। अरे तो वोट तो देने, वोट ही नहीं देती? हाँ देती थी, पर वो बाहर गाँव देती है, आप नहीं देती, हमारे गाँव को देती, वोट ही नहीं देती हैं। लो जी, आइए आइए हम आगे चलते हैं इनसे। भाई साहब, आपका नाम? शिवाजी। शिवाजी, अच्छा आप चुनाव में किसकी लहर चल रही है यहाँ पे? मेरे को मालूम, मैं तो अभी एक महीना हुआ है यार। अच्छा, चलिए आइए हम किसी और को करते हैं। अच्छा भाई साहब जी, आपका नाम? अरविंद दुबे। अच्छा दुबे जी, ये किसकी लहर चल रही है, कौन? योगी सरकार, योगी सरकार की लहर चल रही है। सरकार की लहर गुजरात में? गुजरात में तो मोदी सरकार। हाँ, हम लोग तो योगी के हैं, यूपी से हैं तो यहाँ तक गुजरात तक तो हम उनकी ही लहर चल रही है, उनके पक्ष में जो है तो हम तो खड़े हैं। अच्छा, मतलब तो आप वोटर हैं यहाँ के? हाँ वोटर हैं। तो किसको आप वोट देंगे? अब जो यहाँ का रहेगा बीजेपी सरकार। मतलब आप कैंडिडेट नहीं देखेंगे? हाँ, अपने को खाली बीजेपी सरकार देखना है, योगी और मोदी देखना है। आम आदमी पार्टी का फिर क्या सीन है? आम आदमी पे मैं, हमने जुड़ा नहीं तो हम कैसे बताएंगे कुछ? अरे बाप रे, कांग्रेस? कांग्रेस ने हम तो एक ही जानते हैं। पर यूपी वाले कैंडिडेट कांग्रेस के यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं,
तो यूपी पहचानते कि नहीं है? अभी तो उतना प्रचार तो चल रहा है, तो फिर अच्छा चुन रहे हैं, लेकिन आपने तो दिल में एक ही भावना है मोदी सरकार। आप ये बताइए कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की हवा है? देखिए, हमारे मन में वही है तो वही दिखेगा, अभी वो क्या है तो मन में दिल में वही रहेगा ना। अच्छा, आपके मन की बात, मन की बात है कि हम यूपी से और गुजरात तक घूम रहे हैं, अच्छा इसके लिए, तो वो मन में दिल में जो है तो वही हम बोलेंगे। गुजरात में भी आपको विकास दिख रहा है? विकास वो तो दिखेगा। अच्छा, और क्या चीज़ें आपको गुजरात की पसंद है? अब बहुत कुछ पसंद है, पसंद है तभी तो यहाँ रुके हैं। अच्छा, पसंद इसलिए यहाँ पर रुके हैं? नहीं तो अब तो बम्बई में 17 साल रह के यहाँ आए, 5 साल हो गया। बम्बई में 17 साल रह के गुजरात आया, क्यों? अब फिर हमको यहाँ जम रहा है, हमको 20 साल पहले यहाँ आया था, हमको जम रहा था। मुंबई क्यों नहीं जमा? मुंबई इसलिए नहीं जमा कि मुंबई हमारे घर वालों की प्रॉपर्टी थी, इसके लिए मजबूरी हमको वहाँ रहना पड़ा, हमको वो पसंद नहीं, हमको गुजरात। अच्छा, मतलब मुंबई में आप मजबूरी में रहते थे, गुजरात में अपनी मर्जी से रह रहे हैं? अभी अपनी मर्जी से रह रहा हूँ। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? काम हमारा ये मास्क का दुकान है, चश्मा बेल्ट टोपी है। कितना कमा लेते हैं? कमाने के लिए तो धंधे के ऊपर है। अच्छा, 1000 रुपया भी कमा लिए, 500 रुपया भी कमा लिए। गुजरात में आपको शांति लगती है? यहाँ बहुत शांति है, यूपी जैसा माहौल नहीं लगता? यूपी मान लो तो अपना घर है। अच्छा, लेकिन अब उतना कमाई नहीं है ना हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब वहाँ बाप दादा की प्रॉपर्टी है तो घूमते टहलते हैं वहाँ। कमाई तो कमाई सूरत में ही है? नहीं, कमाई यहाँ भी है, मुंबई में भी बहुत कमाया हमने। अच्छा, ऐसा नहीं है, वहाँ भी बहुत पैसा कमाया, मजा यहाँ आता है, लेकिन यहाँ शांति है। अच्छा, यहाँ शांति, यहाँ शांति। मुंबई में नहीं थी? मुंबई में शांति नहीं, नींद कभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, ये भाई साहब भी हमसे बात करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, सर नाम बताइए आपका। श्रवण सिंह। दादा खुलकर बोलिए। श्रवण सिंह। श्रवण सिंह जी कहाँ से हैं? मैं तो यूपी से हूँ। क्या लग रहा है इस बार सूरत में? सूरत में तो जीतेगा मोदी। मोदी ही? प्रत्याशी को नहीं जानते आप? बीजेपी। अच्छा, प्रत्याशी कौन है बीजेपी का यहाँ पे? वो तो नहीं पता मुझे। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाली देश के पहले पहले से अभी के नहीं पता, पर बीजेपी पता है आपको? हाँ, बीजेपी पता है। मोदी के नाम पर वोट देंगे? नहीं, मोदी को वोट नहीं देंगे। मोदी को वोट नहीं देंगे तो अभी बोल रहे हैं आप बीजेपी? बीजेपी की लहर चल रही, जरूरी थोड़ी ना कि सब मोदी। तो फिर आप बताइए, फिर कौन सी पार्टी आपको ज्यादा पसंद है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी? तो पार्टी बोले मोदी तो। अच्छा, ये भाई साहब से आपका नाम बताइए। अमित मौर्य नाम है मेरा। कहाँ से है? उत्तर भारती। नहीं नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से? इलाहाबाद। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार सूरत में कौन सी पार्टी की हवा चल रही है? अभी हवा तो देखा जाए तो बीजेपी की है। बीजेपी की? पर इस बार आप वाले भी काफी जोर तोर से इस बार आए हुए हैं। इस बार नहीं, आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है, बीजेपी का है आपका? पड़ रहा तो देखा जाए तो अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते? हाँ, क्योंकि देखा जाए तो नहीं। आप नेताओं की तरह बोल रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते मतलब क्या? नहीं, क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारा जो उत्तर भारतीय समाज है जी, यहाँ पे 30 साल से भी टिकट किसी को मिला नहीं है। मिला कांग्रेस वाले ने दिया है ना? कांग्रेस वाले ने इस बार दिया है। अच्छा, इस बार धनसुख भाई को वो अपना जो विधानसभा। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो है नहीं, आप सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस तो अभी बहुत पहले से यहाँ धीरे धीरे जितने भी टिकट थे। अच्छा, उसको सीटें एकदम ही कम हो गई है। आपका नाम? पूजा मिश्रा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? रविनगर। अच्छा, यहाँ वोटर हैं आप, यहाँ पे वोट देती हैं गुजरात में? चुनाव वोट देने जाती हैं किसी को? भाई यहाँ नहीं, गाँव दिया हूँ। अच्छा, गाँव में रहती है। आप कहाँ वोटर यहाँ पे? आप यहाँ पे वोट देने जाती हैं? नहीं, अभी तो नहीं गई हूँ। अच्छा, यहाँ वोटर हैं आप यहाँ की? नहीं, मैं यहाँ से नहीं है, मैं तो तिवारी नगर से आई हूँ, उतना रास्ता से। अच्छा, नहीं, वोटर नहीं है आप लोग यहाँ के? नहीं। अच्छा, चलिए तो ये बताइए कि जैसे यहाँ पे आप लोग रह रही हैं तो किसकी हवा है चुनाव में, कौन इस बार जीत रहा है? मेरे यहाँ तो पता नहीं मुझे। अब मालूम नहीं है। अच्छा, कौन जीत रहा है आपको? मेरे यहाँ तो है राधेश्याम शुक्ला है, मगना देवी है, वो जीत रही है। अच्छा, चुनाव चल रहा है उनका। अच्छा अच्छा, किस पार्टी से है? कमल पे हैं। अच्छा, आइए हम आपसे बात करेंगे, आप बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही हैं। क्या नाम है आपका? कल्पना। अच्छा, कहाँ से हैं आप? पुनीत नगर। अच्छा, तो यहाँ आप वोट देने जाती हैं? हाँ। किसकी लहर है इस बार? कमल की। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा क्यों नहीं, लेकिन हमारे इधर तो कमल का ही प्रचार हो रहा है। अच्छा, प्रचार के और कोई पार्टी वाला आया नहीं? नहीं, उधर नहीं आया, कोई नहीं आया, केवल कमल वाले आए। हाँ। तो प्रत्याशी कौन है आपके इधर? ओ, हमारे इधर जो, उसका नाम नहीं पता है मेरे को। अच्छा अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ गुजरात के?
जीतता। तो किसके नाम पे वोट देंगे जाके आप? मैं तो अपना मन रहता है उस पे ही देती हूँ। अच्छा, तो हाँ। किसका, मोदी को वोट देती हैं, कमल किसको वोट देती हैं जाके? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोदी को ही देती हूँ। आपकी बात तो मोदी आना नहीं चाहिए ना। अच्छा, क्यों ऐसा? वो कहाँ मतलब कुछ कर रहा है, गरीब लोग को तो और परेशान कर रहे हैं। जो पैसे वाले उनको तो मिल जाता है सब कुछ, लेकिन हम मतलब तो महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ। गैस का सिलेंडर महंगा। हाँ। लग रहा है। क्या चीज आपको लग रहा है कि क्यों नहीं मोदी आना चाहिए? क्या महंगाई बहुत कर दी है ना, जिसके भाड़े का रूम है वो कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? अच्छा, तो क्या चीजें महंगी, जैसे थोड़ा सा बताइए क्या आपको? गैस सिलेंडर 1100 रुपया का है। हर चीज में दूध में भाव बढ़ा दिया है, अनाज पानी में भाव बढ़ा दिया है, पगार कम है। घर का किराया कितना है आपका? 2000। और पगार कितनी आती है? पगार 12000। सिर्फ 12000? 10000 में फिर घर कैसे चलता है? वही तो बात है ना। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने लोगों को घर दिए हैं, कुछ नहीं दिए हमको तो भाई नहीं दिए हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि मोदी जी को नहीं आना चाहिए? मतलब आप नाराज है मोदी जी से? क्या नाम है आपका? दीप कुमार मांडले। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं पांडेसरा से ही हूँ। अच्छा अच्छा, तो वोट देने जाती हैं आप चुनाव? हाँ, में जाती। तो इस बार किसकी लहर है, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? ऐसे तो मनु भाई पटेल जो हैं उनका सुनने में आ रहा है हमारे इधर। किस पार्टी से हैं वो? पार्टी का तो मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन हमारे इधर एरिया में सब उन्हीं का नाम ले रहे हैं, उन्हीं को वोट, उन्हीं को वोट देना है। और सरकार किसकी बनेगी गुजरात में? अब इतना तो नहीं जानते, अब देखो। सुनती होंगी लोगों का, बातचीत सुनती होंगी, तो किसका कौन यहाँ सरकार बना रहा? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी, कौन बनाएगा? आम जनता पार्टी ही लग रहा है। आम जनता पार्टी का लग रहा है, आम आदमी पार्टी सरकार में है। ऐसा क्या आम आदमी पार्टी में है? वो क्या है, केजरीवाल जो है ना उनके थ्रू मतलब ज़्यादा लगता है, क्योंकि उन्होंने जैसे दिल्ली में किया है उनके काम के चलते यहाँ पे भी सब लोग समर्थन में हैं उन्हीं के। अच्छा, तो कहा जाता है गुजरात मॉडल की तो बात होती है कि गुजरात में बहुत काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है, बहुत काम, तो उसको लेकर के अब आप कह रही दिल्ली में ज़्यादा काम हुआ है, तो क्या है? इधर तो हुआ है, लेकिन जैसे केजरीवाल जी ने वहाँ पे काम किया है तो उनका नाम ज़्यादा है, तो इस वजह से आम जनता पार्टी को ज़्यादा मतलब वो कर रहे हैं सब लोग कि उन्हीं का वो होगा ऐसा। थैंक यू। चलिए आइए, कुछ ये और जा रही हैं, अब एक मिनट आपसे बात करेंगे बस। अरे कहाँ जा रही हैं, रुक जाइए, आइए तो, आइए आइए, आप लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू सिंह। अच्छा, कहाँ, यही की हैं आप? हाँ। चुनाव में वोट देने जाती हैं? तो इस बार किसकी लहर, कौन जीत रहा है? मोदी के, जानते हैं। अच्छा, तो मोदी के, आपके यहाँ प्रत्याशी कौन है आपके इलाके में? क्या मालूम, मैं नहीं मालूम है, प्रत्याशी नहीं पता आपको? अच्छा, आपको प्रत्याशी एक साथ ही भाई? हाँ। तो प्रत्याशी तो पता है आपको कोई कौन नहीं, है? नहीं, मैं नहीं पता है, तो नहीं आना, मैं तो परसों नरसों गए थे इधर। अच्छा, तो मतलब मोदी के नाम पे वोट देने आप जाएंगी? चाहे जिसको दे दें, ऐसा नहीं है वो तो जब क्या लगता है बीजेपी ने यहाँ काम किया है गुजरात में क्या की? हम तो मोदी की जानते हैं, मोदी करते हैं। क्यों मोदी का ऐसा क्या उन्होंने काम किया है? अब क्या मालूम है, इतना नहीं मालूम है, जब नहीं समझ पा रहे हैं। हम थे इस समय तेरे नाम चौक पर, जहां हम लोगों ने मतदाताओं से बात की, ज़्यादातर महिलाएं थीं, और इस बातचीत में खास चीज़ जो निकल कर आई वो ये कि लोग यहां पर मोदी की लहर बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी कौन है उसका नाम लोगों को नहीं पता है। लोगों का कहना है कि हम वोट देने जाएंगे तो मोदी के नाम पे। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पे आम आदमी पार्टी का नाम भी लिया, लेकिन कांग्रेस का किसी ने भी नहीं कहा कि कांग्रेस आ रही है या हम कांग्रेस को वोट देने जाएंगे। मैं शशि पांडे, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए।